हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखे हैं कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर हम कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। जैसे ही हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमें youtube.com को सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने youtube.com को सर्च कर लिया है। इसके बाद हमें अपने लोगो पर क्लिक कर लेना है। तो राइट साइड में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो है। इसके बाद हमें अपने लोगो पर क्लिक कर लेना है। लोगो पर क्लिक करते ही हमें यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक कर लेंगे, हम अपने चैनल में पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने चैनल में पहुँच चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे चैनल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हमें अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करना है। तो हम उसे हाइड कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई वीडियो बनाता है और वो उसका चैनल छोटा होता है, उसके सब्सक्राइबर कम होते हैं, उसके वीडियो कम होते हैं, तो ज़्यादातर लोग जिसके एक सब्सक्राइबर कम है उनके वीडियोज़ नहीं देखते। तो आप अगर अपने सब्सक्राइबर हाइड कर लोगे तो हो सकता है कि लोग आपके वीडियो ज़्यादा देखने लगे। तो इसलिए आपके सब्सक्राइबर हाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो छोटे यूट्यूबर्स के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करना बहुत ज़रूरी है। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, ज़्यादातर लोग उनके वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनका कॉन्टेंट भी अच्छा होगा। और जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, उनके सब्सक्राइबर कम होते हैं, वीडियो कम होते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो लोग उनके वीडियो कम देखते हैं। तो इसलिए जब तक आपका चैनल अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता, तब तक आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके ही रखिए। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे हाइड कर सकते हो। तो मैं अपने चैनल पर आ चुकी हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। तो लेफ्ट साइड में एकदम नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम इस पेज पर आ जाएंगे, सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स, परमिशन, कम्युनिटी एग्रीमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। हमें सेकेंड ऑप्शन चैनल पर क्लिक कर लेना है। तो हमें एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम इस पेज पर आ गए, हमने ज़रा नीचे स्क्रॉल किया तो हमारे सामने ऑप्शन आ गया है सब्सक्राइबर काउंट, जिसमें दिया गया है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उतना नंबर मेरे चैनल पर दिखाया जाए कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं। तो फिलहाल मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं ये शो हो रहा है। तो जैसे ही हम इस टिक मार्क को यहाँ से हटा देंगे, मेरे सब्सक्राइबर यहाँ से हाइड हो जाएंगे। इसके बाद हमें सेव पर क्लिक कर लेना है। याद रखिए, जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे, आधे घंटे के बाद या फिर एक घंटे के बाद ही आपके सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर लूँगी। तो इस तरह आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।